नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है मुंबई की आवाज में। मैं हूं सलामत अली और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन देवानंद मौजूद है। मैं एक बार देवानंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम वो जो शिक्षक यहां पर मौजूद है उन तमाम लोगों की तस्वीरें एक बार अपने कैमरे में कैप्चर करें ताकि सरकार भी देखे कि आखिर किस तरह से शिक्षक अब सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये मुख्य कारण इनका है कि बेरोजगार जिस तरह से सरकार इन्हें कर रही है, पिछले कई सालों से ये लोग जो है वो कंप्यूटर का ज्ञान देने का काम कर रहे हैं और वो भी जो ज्ञान देने का काम कर रहे हैं वो गांव में जाकर गांव के लोगों को ज्ञान देने की बात जो है वो की जा रही है। जो शिक्षा है कंप्यूटर की वो गरीब बच्चों तक पहुंचे, कंप्यूटर जो है वो गरीब बच्चे भी उसे जान सके कि किस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम ज्ञान जो है वो ये शिक्षक देते हैं, चाहे लातूर की बात की जाए, चाहे सांगली की बात की जाए, चाहे विदर्भ की बात की जाए, महाराष्ट्र भर में ये शिक्षक जो है वो फैले हुए हैं। अब सरकार जो फैसला ले रही है उससे कहीं ना कहीं ये तमाम शिक्षक जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद है, तमाम शिक्षक मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपकी क्या कुछ समस्या। मैं विदर्भ से हूँ, यवतमाल ज़िले से, और हम यहाँ तकरीबन हमें 6 दिन हो चुके हैं यहाँ आके, और जब से हम धरना आंदोलन दे रहे हैं और कंटिन्यूली हम 2 साल से धरना आंदोलन दे रहे हैं और विनोद तावड़े जी हमको अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दे रहे, और लेकिन अभी इस मोड पर आए क्योंकि ये पूरे जो टीचर है इन्होंने बहुत ही जो गरीब लोग हैं और इन्होंने गरीबों के बच्चों को पढ़ाया और 3200 रुपये पेमेंट पर मंथ पे इन्होंने अभी तक पढ़ाया और अभी तक इन्होंने आंदोलन की। अभी जो बच्चे आए हुए तकरीबन 2500-3000 लोग हैं, ये बहुत दूर दूर से आए हैं और अभी तक आज का 6वां दिन है, लेकिन हमने गवर्नमेंट से बार बार इसका निवेदन भी दिया है, लेकिन अभी ये जो लोग है ये कुछ ना कुछ करना चाहते। अगर हमारा सवाल हमारे लिए तैयार होने वाला है पार्लियामेंट में, वहाँ पर अगर उससे ठीक से अगर उस पर चर्चा नहीं होती है तो हम आगे चलकर विनोद तावड़े जी, देवेंद्र फडणवीस या CST स्टेशन वगैरह यहाँ पर हम चक्का जाम करने के प्लानिंग में हैं। तो सरकार इस चीज़ों पर ध्यान दे क्योंकि सभी बच्चे जो है वो नौजवान हैं, इसलिए आगे कुछ भी हो सकता है, तो इस पर सरकार ध्यान दे। बिल्कुल, भारत देश जो है वो कहीं ना कहीं युवा देश माना जाता है और ये तमाम शिक्षक जो है वो ज़्यादातर युवा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इन युवाओं को भी बेरोज़गार करने की तैयारी जो है वो सरकार लगभग कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ये शिक्षक यहाँ पर मौजूद है इनका साफ तौर पर कहना है कि मई महीने में 2500 शिक्षक जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे यदि सरकार अपना फैसला लेती है। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से है और आपकी क्या कुछ समस्या है। वैसे मैं तो मुंबई से हूँ, लेकिन फिर भी हमारे PM जहाँ पे हमें इल्म दिखाते हैं कि भारत का आधुनिकीकरण होना चाहिए, बाहर जाकर ये बात भी करते हैं कि भारत देखो डिजिटल हो रहा है, लेकिन जो बाहर जाके बातें हो रही है एक्सपोज की जा रही है, लेकिन अंदरूनी एरिया में देखो तो वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो हमारी यही एक डिमांड है कि जैसे सपने हम सभी देख रहे हैं कि भारत में कुछ बदलाव होना चाहिए, और जहाँ पर एक जगह भी है कि जहाँ आधुनिक भारत का एक बेस कंप्यूटर के थ्रू हम खड़ा कर सकते हैं। एक टीचर की ज़रूरत होती है और एक विद्यार्थी की ज़रूरत होती है, कि दोनों की ज़रूरतें दोनों जानते हैं कि एक दूसरे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट भी ये कहती है, लेकिन बहुत बुरी बात यह है कि उसमें कोई तरीका यूज़ नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और जहां आखिर में हम उनके साथ बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं है। जहां तक कि कल ही बात हुई थी उनके साथ कि कंपनियों के साथ क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम नई कंपनियां लाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि हम एक टीचर ही ऐसा अपॉइंट कर ले कि जिसके पास खुद का नॉलेज हो। नॉलेज इन द सेंस, हमने जो अपॉइंट किए गवर्नमेंट से लोग, वो कोई साधारण लोग नहीं है, वो 10th पास 9th पास या 12th पास वाले लोग नहीं, यहाँ BSc लोग हैं, यहाँ MCA लोग हैं, यहाँ BCA लोग हैं, BSc IT लोग हैं, तो यहाँ हाईली पोस्ट वाले लोग हैं जो कि अच्छा ज्ञान रखते हैं कंप्यूटर का और एक नया आयाम रखना चाहते हैं भारत के लिए। यहाँ सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, मैं खुद कुछ सॉफ्टवेयर बना चुका हूँ अपने बच्चों के लिए, जहाँ क्वेश्चन आंसर के सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल रूप से उनको सिखाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास वो नॉलेज है, हम एक नई चीज़ उनके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट हमें देख नहीं सकती, या तो गवर्नमेंट अंधी है या फिर हमें वो देखना ही नहीं चाहती, या फिर कंपनी के साथ उनके कुछ ऐसे संबंध है जिनके कारण वो हमें नकारना चाहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, और तमाम हम चाहेंगे कि आप
वो तमाम लोगों को बताया जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज गांव खेड़े में आज के तारीख में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र के लगभग सभी भाग से सभी लोग आए और ये सभी फेसबुक, व्हाट्सअप, ये ट्विटर, इनके थ्रू ये आंदोलन एक संध करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक संध इतना ही नहीं कि हम हरियाणा के कांटेक्ट में, हम आंध्र प्रदेश के कांटेक्ट में, हम मध्य प्रदेश के कांटेक्ट में, हम दिल्ली के कांटेक्ट में, ये सभी लोग बस कांटेक्ट में ही नहीं है। तो इनके स्टूडेंट्स भी ये बोल रहे हैं कि सर आप केवल आंदोलन में नहीं जाएंगे, हम भी आना चाहते। और प्रधानमंत्री के सामने, हमारे मुख्यमंत्री के सामने और विनोद तावड़े जी माननीय इनके सामने भी हम अपनी बात रखना चाहते हैं। यानी केवल स्टूडेंट नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि हम अपनी बात रखें, कि हम भी चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास आना चाहिए। ये हमारी शिक्षा है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। ये शिक्षक नहीं चाहता, ये वक्त चाहता है और वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये गांव से आवाज़ आ रही है, वो किसान जिनके बारे में आज ये गवर्नमेंट बात कर रही है उनके बारे में वो कुछ करना चाहते हैं ना चाहते हैं ये दूसरी बात, लेकिन उनके बच्चे जो यहाँ जो सारे खड़े हैं ये एक नए बदलाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो खेती करना चाहते हैं नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा क्वालिफिकेशन लेके वो एक नया आयाम को अपने गांव में लाना चाहते हैं, उनको एक नई शिक्षा देना चाहते हैं, उनका भी ये हक है, उनको वो जताना चाहते हैं। और बच्चे वो समझ चुके हैं और आज ये हमें कितना भी रोकना चाहे हम रुकने वाले नहीं है, हम नए बदलाव के साथ आगे बढ़ चुके हैं, ये कदम पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल, कदम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है। और भी शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, आपसे जाना चाहेंगे, आप एक शिक्षक है, मई महीने में यदि सरकार ये सिस्टम बंद करती है, ये जो इंस्टीट्यूट है वो बंद करती है, तो आप क्या करेंगे? हम तो पहले ही दुष्काली भाग से, मराठवाड़ा औरंगाबाद जिले में से, हम इसमें भी दो चार साल से ICT टीचर का काम कर रहे हैं। और उसमें भी कभी हमारे पे बेरोजगारी का वक्त आता है तो पहले ही हमने दो तीन हज़ार पे काम करे हुआ है, और उसमें भी कभी हमको बेरोजगारी के वक्त आता है तो हमारे पास यहाँ पे फांसी लेने से ज़्यादा दूसरा कोई भी ये नहीं रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि बात की जाए विदर्भ की या फिर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो जिस तरह से किसानों का जो हाल है वो कहीं ना कहीं शिक्षक भी अब सीधे तौर पर ये कहने को तैयार हो गए हैं कि यदि उनसे उनका रोज़गार छीना जाता है तो वो आत्महत्या जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बीड़ जिले से हूँ। आज तक हमारे बीड़ जिले में जो 14 वर्ष जो शेतकरी की आत्महत्या नहीं होती थी उतने यही साल में हो गई। अब शेतकरी नहीं आत्महत्या तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मई महीने में अगर ICT प्रोजेक्ट बंद हो गया, अगर हमारे ऊपर बेरोजगारी की कुराड हमारे ऊपर गिरी तो हम भी आत्महत्या करना चालू कर देंगे। और जो पहले फेज में 500 स्कूल में जो प्रोजेक्ट था तो वो आज ही पूरी तरह से बंद है, और इसी तरह से अगर ये बंद होते जाएगा तो जो सरकार को डिजिटल इंडिया बनाना है वो नहीं बना सकेंगे। लेकिन अगर हमारे जैसे क्वालिफाइड एजुकेशनल जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले सके लिए हुए उन्होंने अगर इसी तरह से संगणक शिक्षण बनाए रखा तो आपका जो डिजिटल इंडिया का स्वप्न है वो पूरा हो सकेगा। गांव वाले लोगों में और गांव वाले स्टूडेंट में इतना पैसा देने की ये नहीं होती, इसकी वजह से आप ये प्रोजेक्ट आगे चलाए रखें और हमारे को शासन निर्णय जल्द से जल्द निकाल कर हमारे को परमानेंट करें। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की बात सरकार लगातार करती रही है, हमारे साथ महिला शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे, बेरोजगारी की समस्या जो है वो सबसे बड़ी है और अब कहीं ना कहीं सरकार ही वो समस्या पैदा करने में लगी हुई है। हाँ, मैं वर्धा जिला से बोल रही हूँ। सरकार ने जो 5 साल का करार लिया है अभी मई महीने में वो बंद हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये बंद हो जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे, पर लाखों बच्चों का क्या होगा सर? लाखों बच्चों का वो भी कंप्यूटर से शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। और जो सरकार सोच रही है डिजिटल इंडिया वो कैसे बनाएंगे? गाँव से शहरों से गाँव तक उन्हें डिजिटल बनाना है तो उसमें तो कंप्यूटर की शिक्षा होनी चाहिए ना सर। और यदि सरकार जो बोल रही है हम रोजगार दे रहे से बदले वो हमसे रोजगार छीन रहे, क्योंकि हम तो पीछे जाकर तो आगे जाकर बेरोजगार होंगे ना सर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो रोजगार छीनने का इनका काम कर रही है, इस तरह के आरोप सरकार पर भी लग रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगी, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है सरकार की ओर से, साथ ही साथ रोजगार देने की बात की जाती है सरकार की ओर से, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ही रोजगार दिए हुए लोगों को ही बेरोजगार कर रही है।
रोजगार का जो भी है डेली बेसिस वेजेस जो रहते हैं उससे भी हाफ से भी हाफ जो है रोजगार हम ले रहे हैं और फुल टाइम काम कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरा शिक्षा ही नहीं है, पूरा मेंटेनेंस वो रिपेयरिंग करना कंप्यूटर और वक्त वक्त पर जो भी उनके जो स्कीम आते हैं कला चाचनी रहती है या फिर ऑनलाइन बुकिंग ये रहता है, ऑनलाइन सब बच्चों को ऑनलाइन किया है, सभी स्टाफ को ऑनलाइन किया है, ये सब सब काम जो रहता है वो सब हम पूरा दिन भर करते हैं और हमें क्या मिल रहा है वेजेस में, वो वेजेस का 50 रुपीज़ या 25 रुपीज़ पर डे मिल रहा है। तो और ये महिला जो है वो महिला भी कितनी दूर से आती है, मतलब महीने का खर्चा उनका 600-700 या हजार हजार खर्चा उनका रहता है आने जाने का और उनकी सैलरी रहती है 2500 या 3000 रहती है और उसमें से वो क्या बचाएगी और क्या खाएगी और ये क्या सशक्तिकरण क्या किधर से चल रहा है और किधर से आया किधर से और जा किधर रहा है, मतलब बोल तो रहे थे कि किधर लेके रखा है हमारा महाराष्ट्र, तो वो हम ही महिलाएं बोल पूछना चाहते कि हमें महिलाओं के भी आपने किधर लेके ला के रखा है। सरकार जब चुनाव प्रचार कर रही थी उस वक्त लगातार यही पूछ रही थी कि आखिर हमारे महाराष्ट्र को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है सरकार ने, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं सरकार से बीजेपी सरकार से कि आखिर कहाँ ले जाकर हमारे महाराष्ट्र को खड़ा करने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, आपसे जानना चाहेंगे कि अब यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आपका आंदोलन किस प्रकार का रूप लेगा? अगर सरकार अभी भी इस बात पर गंभीर नहीं होती है तो हमें एक उग्र स्वरूप का आंदोलन करना होगा। कल विधान परिषद में सभागृह में उसके ऊपर चर्चा होने वाली है और उस चर्चा में अगर सरकार पॉजिटिवली भूमिका नहीं लेती है तो इसके बाद हम आज़ाद मैदान नहीं बैठ सकते, चाहे सरकार को फिर जो भी कुछ करना हो, फिर उसमें वर्षा जो मुख्यमंत्री का बंगला हो उसका घेरा हो, मुख्यमंत्री घेरा हो या शिक्षण मंत्री का घेरा हो, लेकिन राज्य के ICT टीचर ये रस्ते पर उतरेंगे, फिर चाहे जो भी बात हो लेकिन हम रस्ते पर उतर के ही संघर्ष करेंगे। अगर कायदे से न्याय से अगर सरकार हमें कुछ नहीं दे सकती तो फिर हमें मजबूरन रास्ते पे उतर पे ही हमारा न्याय जो है हमें मिला के लेना होगा। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सरकार यदि इनकी बात नहीं सुनती है तो ये तमाम शिक्षक जो है वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं और मन भी बना चुके हैं, यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो ये तमाम शिक्षक जो बेरोजगार होने की कगार पर खड़े हैं वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे और साथ ही साथ चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर शिक्षा मंत्री की बात की जाए उनका घेराव भी करेंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज़ में आज के लिए बस इतना ही, तो मुझे यानी सलामत अली और मेरे कैमरा पर्सन देवानंद को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।